ये जो तुम रात भर कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हो ना, इसकी वजह से तुम सुबह जाग भी नहीं पाते। मामा सिर्फ हमना से तो बात करता हूँ। हुमैरा जल्दी नाश्ता लेके आ, मुझे निकलना है। जी। सारा हफ्ता मैं तुम्हारी छुट्टी का इंतजार करती हूँ और तुम हो के। अब मैं क्या करना है? मुझे बुटीक जाना है, वहाँ कारीगरों ने दिमाग खराब किया है, उसके बाद ग्रोसरी करनी है, कुछ ही दिनों में कुकी आ जाएगी, उसके साथ मेहमानदारी बढ़ जाती है, आगे कहाँ टाइम मिलेगा। जाओ तुम। मामा, मामी के साथ फहद आ रहा और हमना आएगी। फहद और हमना दोनों के एग्जाम्स हैं, इस दफा वो अकेली आ रही है। तुम क्यों इतने उदास लग रहे? नहीं, वो फीकी बनाई है ना चाय, इसने चीनी नहीं डाली, भूल गई होगी बेचारी। तुम्हारी माँ हूँ, सब समझती हूँ। बहुत जालिम है आप। हाँ, और संदिल भी। आई नो। हाँ भाई, फिर क्या डिसाइड किया फॉर्म हाउस के प्लान का? कुकी से बात करने का मौका ही नहीं मिला यार, अब तो वैसे ही वो पाकिस्तान जा रही है। इसका मतलब है भाभी के आने के बाद ही प्लान बनेगा। ऑफ कोर्स, वो ना हो तो मेरे सारे काम उल्टे हो जाते हैं। यार तुम कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट नहीं हो गए भाभी पे? शादी के इतने सालों बाद तो बीवी सब कुछ बन जाती है, आंखें नाक कान। ऑनेस्टली स्पीकिंग, उसके ना होने से सबसे ज्यादा परेशानी मुझे होती है, बच्चे तो फिर भी मैनेज कर लेते हैं। कह तो तू ठीक रहा है। अच्छे बड़े भी हो गए यार, बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, फिर पीछे कौन रह जाएगा, मैं और कुकी बस। यार जिंदगी का ये मोड़ भी अजीब है, मियां बीवी को उनके साथ की अहमियत का अंदाजा जितना इस उम्र में होता है, इतना तो नई नई शादी के दिनों में नहीं होता यार।